मौजूदा दौर विच नाथ गोई नू अपना तारूफ बनान वाले सूफी शायर अब्दुल हमीद निजामी होरी दुनिया तो रुखसत हो गए। ठंड अखियां नू पां अब्दुल हमीद आसी दे नाम तो गजलां ते नज़मां राई शोहरत कमाउन वाले रब दे इस बंदे ने ऐन जवानी विच अपना तखल्लुस आसी तो निजामी रख लिया। तखल्लुस दे नाल उना दी शायरी दा रुख भी तब्दील हो गया। हुन उना दे तखय्युल ते अखरां दा मरकज जनाब नबी आखरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन। दुनियादारी दियां राहां छड्ड के ए मुसाफिर तसव्वुफ दी बुकल मार के हकीकी मुहब्बतां दे सच्चे काबे दा तवाफ करन लग पिया। मेरे दोस्त बां बेली अब्दुल हमीद निजामी होरी तसव्वुफ दी मुजस्सम तस्वीर सन। उन्हां दी शख्सियत अंदर बनावट नां दी कोई शै नहीं सी। हर मामला मुहब्बत नाल इबारत ते हर तालक बिलौस ते खलूस नाल भरिया होया। उन्हां दा रुखसत होना एक फर्द दा जाना नहीं बल्कि उस मुहब्बत ते रहमत दा चलाना कर जाना है जिहड़ी बरकत ते नेमत बन के साडे जां गुनाहगारां नूं रूहानियत दे रंगां विच रंगदी रही। निजामी होरां दी यात्रा दा इक्को मकसद नात गोई दे राहीं अपने महबूब नबी आखज़मां तीकर अपनी मुहब्बत ते अकीदत पहुँचाना सी। मेरा सूफिया नाल गोड़ा तालक है। उन्हां बारे लिखिया भी ते पढ़िया भी पर अपनी हयाती अंदर जिहड़े दो सूफी वेखे वह दोवें इन्ने डिगे ते सोचे सन कि दिल आप गवाही देंदा है कि उन्हां नाल बहना उठना बोलना चालना सब विवादित सी। पहले हफीज़ ताइब होरी सन ते दूजे अब्दुल हमीद निजामी। एक पहला टुर गया ते दूजे अज अपनी असल मंजिल पर परत गए ने। अब्दुल हमीद निजामी होरा नाद दे खेतर अंदर नवी दुनिया आबाद कीती जिदियां फजावां अकीदत दे फुल्लां नाल महक रहियां सन। हुन उहनां दी हयाती दा कल्ला मकसद मदीने वाले आका दियां राहां नूं अपनी शायरी राहीं सजाउंदे रहना सी। सैयदना हाशिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इस्म पा के इहदा मायना है कि हशर च कम आण वाले। इहदी शरह दे शेर रसने के हशर च तेरे पिछे होणगे औगण हारे रोंदे होणगे ते रब दे गज़ब तो सारे लोकी तेरे कदमी लगे होणगे। आका उठ के सब तो पहला कम बख्शिश दे कीते होणगे। सुनया रब मनावन दे लई आका अगे अगे होणगे। पूरे दिमाग दे बंदे साडे कोल बहुत घट है। इन्हां दे विच्चों एक बंदा पूरे दिमाग वाला अज वो भी सानू छड़ के टुर गया। निजामी साहब सूफी रीत दे वह बंदे सन जिन्हां ने प्यार वंडना सिखा सी। अजे ते वह मुबारकां लै रहे सन सदारती अवार्ड दियां लेकिन हयाती बेवफाई कर गई। इस बेवफाई ते पूरी पंजाबी कौम नूं अफसोस है। साडे मुआशरे दा एक वड्डा अलमिया यह भी है कि साडा मुबल्लिग या साडा शायर जो लिखता बोलता या कहता है उसकी अपनी हयाती तो बहुत मुख्तलिफ होंदी है। अब्दुल हमीद निजामी साहब की शख्सियत का जायजा लीए तो उन्हें जो लिखिया जो आख्या जिहड़ा फलसफा उन्हें किताबा रही पेश किया उन्हें दी अपनी जिंदगी उन्हें दी अपनी शख्सियत भी उदा मुजस्सम तसव्वुर और तस्वीर है। निजामी साहब दी नाता निजामी साहब का सूफियाना कलाम वो किसी भी रंग में होवे उन्हों की अपनी शख्सियत अंदर भी नज़र आता सी। दरवेश आदमी सन सूफी आदमी सन दूजिया नाल मुहब्बत करते सन कभी उन्हों तो किसी तकलीफ नहीं पहुँची और सब तो वड्डी गल ये है कि उन्हें माँ बोली का सिर उच्चा किया। मैं समझना हाँ कि लोग जब अपना हिसाब देंगे तो उन्होंने सज्जे या खब्बे हाथ में नामा अमाल होएगा लेकिन निजामी साहब अपनिया वो किताबा अपना नातिया कलाम अपने सीने नाल ला के पेश होंगे जड़ा उन्होंने अपनी सारी हयाती अंदर लिखिया और जिन्हों लिखण वास्ते उन्होंने अपनी हयाती वक्फ कर छड़ी। उन्हां नात राही अपनी अकीदत नूं मुख्तलिफ रंग विच टालिया। पहला अल्लाह रब्बुल आलमीन दे 99 नावां नूं मौजूए सुखन कीता ते फिर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे 99 नावां नूं अपनी मुहब्बत दे धागे विच परो के कमाल कर छड़िया। अकीदत ते मुहब्बत दा इजहार करन दे तरीके वक्खो वक्ख ने। निजामी साहब दी शायरी विच इक अजीब खुशबू है जिहड़ी सानूं उन्हां दीआं अजिहीआं कैफियात दा पता दिंदी है जिहड़ियां ईमान दे ताबे ने जिन्हां दे सामने दुनियादारी दी कोई हैसियत नहीं। मदीने दीआं गलियां होण या सबज़ गुंबद दे परछावें सजदा रेज़ उल अखर इश्के हकीकी दीआं बुलंदियां वेखदा तखय्युल होवे या तसव्वुफ विच डुब्बी शायरी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ना होण या रहमत आलम दे 99
सफाती नामा की गल हो निजामी और शायरी नहीं की बल्कि अपना दिल कड़ के वरकिया उत्ते रख दिता है। निजामी और नामा है माल यो मुहब्बत ने जिन्होंने उन्होंने अपनी आजादी का मकसद बना के जीवन पूरा किया। वो सच्चे आशिक रसूल ते इस दौर के सूफी सन जिन्हें हमेशा दूजे नूं मुहब्बत ही वंडियां। दुनिया की तारीख वेखिए तो सानू बहुत सारी मजहबी शायरी मिलती है लेकिन अब्दुल हमीद निजामी होर ने जिस तरह अल्लाह तआला दे सिफाती नाम या हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे 99 सिफाती नामा नूं मंजूम किया है इहदी मिसाल किते नहीं मिलती। ये नात दा नवा आहंग नवा रंग है जिहदी बुनियाद जिहदे मौजिद जिहड़े ने वो जनाब हमीद निजामी साहब ने। अल्लाह तआला उन्हां दीआं अगलियां मंजिलां आसान करे और उन्होंने अपने जवारे रहमत दे विच जगह देवे। ते रही गल दुनिया दी ते दुनिया च अजय जिहड़े लोग ने वह रहमत बन के आउंदे ने और दुआ बन के रुखसत हो जांदे ने। अब्दुल हमीद निजामी दी हयाती दा इक्को ही मकसद सी ते ओ इश्के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी रावां दा सच्चा मुसाफिर होना सी। अखीर ओ इन्ना रावां दे राही हो के उस दरबार विच पेश हो गए जिथे गुलाम दोवां जहाना दे आका दे सामने अपना दिल खोल के रख देंदे ने। कदी कदमा विच खलोवां कदी बात हवावां छोवां पईयां जगमग कर।